हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। जो ये है एल्को की तरफ से आने वाला अल्फा टोन EL050 स्टेथोस्कोप, जिसकी इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एल्यूमिनियम पावर कोटेड चेस्ट पीस विथ स्पेशल डायफ्राम, लाइट वेट, कॉम्पैक्ट एंड डुअल फ्रिक्वेंसी, सीमलेस PVC ट्यूबिंग, स्टेनलेस स्टील कंसील्ड फ्रेम विथ सॉफ्ट ईयर नॉब्स, हाई एकॉस्टिक सेंसिटिविटी एंड मैक्सिमम साउंड कंडक्शन। तो ये हैं इसके स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और चेक करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो इसको कर लिया मैंने अनबॉक्स, अब चेक करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो ये रहा हमारा स्टेथोस्कोप, जो कि काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ में मिलता है, और इसके साथ में हमें मिलता है ये वारंटी कार्ड। इस पर आप लोगों को 12 महीने की वारंटी मिलती है, मतलब कि एक साल की वारंटी मिलती है। और ये आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा ईयर नोब्स, ताकि अगर ये वाला ख़राब हो जाए तो आप इसको रिप्लेस कर सकें। तो अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी बिल्ड क्वालिटी सही है। इसके जो एयर पीस है वो भी ठीक है, जैसा कि बताया गया कि जो एयर नॉब्स है ये सॉफ्ट है, तो ये जो है सॉफ्ट लग रहे हैं। और ये जो ट्यूब है इसका, इसकी भी क्वालिटी ठीक है प्राइस के अकॉर्डिंग। और अगर आपको जानना हो कि इसका प्राइस कितना है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जा करके आप जो इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये परचेस करना हो तो ये आप परचेस भी कर सकते हैं। इसके साथ में आपको दिया जाता है ये एक पैम्फलेट, जिसमें कि एल्को के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है कि एल्को और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है, तो आप जो है चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया कि 1965 से एल्को है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, एल्कोमीटर रेगुलर, तो इनका जो है ये मर्क्यूरी वाला जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है ये भी आता है, जिसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इसके अलावा ये एल्कोमीटर डिलक्स, ये उससे बेटर क्वालिटी का है। और ये है एल्कोनेब हैंडी, और ये है एल्कोनेब रेसिपी प्लस। इसके अलावा आपको फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिलता है, ये एल्को की तरफ से आता है। इसके अलावा डायल टाइप वाला भी आपको मिलता है। इसके अलावा ये कॉम्बो वाला भी मिलता है आपको, डायल टाइप BP विथ स्टेथोस्कोप। इसके अलावा ये मर्क्यूरी फ्री वाला भी मिलता है, आजकल ये भी चल रहा है, ये थोड़ा सा महंगा होता है। और इसके अलावा ये क्लॉक टाइप वाला भी मिलता है, एनोरॉइड ब्लड प्रेशर मॉनिटर। इसके अलावा ये होम हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, तो और भी दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एल्को के, तो वो आप इनकी वेबसाइट पर भी जा कर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट जो है दी गई है, वेबसाइट चेक कर सकते हैं आप, elcoindia.com जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे अपना ईमेल भी दे रखा है और बाकी कॉन्टैक्ट्स की भी डिटेल्स दे रखी है इन्होंने। बहरहाल दोस्तों, बात कर लेते हैं ये जो हमने स्टेथोस्कोप मंगाया है इसके बारे में, और इसकी क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं। अब आइए चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की, कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी, जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हम इससे किस किस टाइप के साउंड सुन सकते हैं। वैसे तो मेंशन किया गया है कि इससे जो हम हार्ट बीट और लंग साउंड सुन सकते हैं, तो इसका मतलब अगर हम इससे हार्ट बीट और लंग साउंड सुन सकते हैं, तो फिर बाकी के जो दूसरे साउंड्स होते हैं, जैसे कि आर्टरीज और वेंस के साउंड, वो भी हम सुन सकते हैं। तो मैं आप लोगों को भी सुनाने की कोशिश करूंगा कि इससे जो है हमें किस तरह का साउंड सुनने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनाता हूं जो डायफ्राम से साउंड आ रहा है, उस साउंड को सुनाने की कोशिश करता हूं, और मैं सुनाऊंगा आपको हार्ट बीट। तो आप लोग सुन करके बताइए कि कैसा जो है साउंड है इसका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने साउंड सुना होगा। तो ये जो साउंड था ये डायफ्राम से था, और अभी हम इसको स्विच करते हैं और बेल से जो है साउंड सुनने की कोशिश करते हैं। तो स्विच करने के लिए यहाँ पर जो है इस तरह से हमें इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, और आपको एक क्लिक का साउंड आता है, तो उसके बाद ये जो है स्विच हो जाता है बेल पर। तो बेल से भी हम, मतलब इस साइड से भी हम साउंड सुन सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं इसकी भी क्वालिटी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बेल से भी इसका साउंड सुना होगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका साउंड कैसा है। और आप लोगों को मैं फिर से एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो स्टेथोस्कोप है इसका प्राइस बहुत कम है, तो ये अपनी प्राइस के हिसाब से सही लगा मुझे। जितना इसका प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से मुझे सही लगा। बाकी आपको स्टेथोस्कोप एक से एक मिलते हैं, तो जिस भी आप जो है प्राइस रेंज में लेना चाहें उस हिसाब से आपको मिलता है, वैसे उसकी क्वालिटी होती है। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।